हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो में हम आपको फ्रिज और फ्लॉट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आज कंप्लीट हो गया, यानी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कॉलेज लॉक की प्रक्रिया आपकी आज समाप्त हो गई है। ऐसे में सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है। यानी आपका जो रिजल्ट दोस्त आने वाला है वो आपका 16 सितंबर यानी कल आपका जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में आपको क्या क्या चीज़ें करने हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे ही अगर किसी भी स्टूडेंट को सीट आवंटन होता है तो आपको क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं, आपने फ्रिज और फ्लॉट का नाम जरूर सुना होगा, तो ध्यान से समझ लीजिए कि ये आपका फ्रिज और फ्लॉट होता क्या है, ताकि आप मिस्टेक ना करें। क्योंकि दोस्त, अगर आपने एक बार गलती कर दिया तो आप 3 राउंड यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों से सीधे बाहर हो जाएंगे, आप सीधे मिलेंगे दोस्त 4th राउंड में काउंसलिंग करा सकेंगे। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी को समझ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है दोस्त तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर दोस्त ध्यान से समझ लीजिए, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है यानी 14 तारीख से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट थी, 14 और 15 सितंबर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 250 रुपये अपने फीस को पे किया होगा, तो जो आपका 250 रुपये फीस है ये केवल और केवल वन टाइम फीस है। ठीक है, केवल और केवल वन टाइम फीस है, इसके बाद आपको फीस पे नहीं करनी है काउंसलिंग के लिए। टोटल आपका 10 चरणों में काउंसलिंग होगा। अभी का जो चरण है वो 1 से 3 है, उसके बाद आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। सारे चरण आपके ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है, यहाँ तक कि जो आपका स्पॉट भी होगा वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा। वही चीज़ें आपका जो स्पॉट है वो चीज़ें यहाँ पे बदल दिया है, उसमें प्रोसेस क्या क्या कर दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1 से 3 यानी जो आपका फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड है और थर्ड राउंड है, इसमें दोस्त आपका अनलिमिटेड कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। लेकिन यही 4th और 5th और 6th, ये जो 6 आप देख रहे हैं, 4th राउंड 5th राउंड 6th राउंड तक केवल और केवल कितना 10 कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। कितना 4 to 6 राउंड जो है उसमें आपका केवल और केवल 10 राउंड यहां पे, यानी कि 10 कॉलेज केवल आप लॉक कर सकते हैं। अगर हम यही 7, 8, 9 की बात करें तो 7, 8, 9 में केवल और केवल 1 कॉलेज लॉक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अधिक नंबर पाए हैं, ध्यान दीजिएगा, या कम नंबर पाए हैं, भूल से भी ये गलती ना करिएगा कि जो कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं लेना है उस कॉलेज को आप नहीं डालिएगा। अगर आप उसको डाल देते हैं, अगर आपको कॉलेज मिल गया है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप सारे राउंड से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपका एडमिशन जीकप के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, तो सीट आवंटन जैसे ही कल आपकी रिजल्ट आ जाएगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, तो उसमें दोस्त आपको 2 यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलता है दोस्त यहाँ पे फ्रिज का, दूसरा आपका फ्लोट का मिलता है। ये दोस्त एक इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को आपका सीट आवंटन होगा, जैसा कि शेड्यूल आपका आया हुआ है उसी शेड्यूल से ही आपका टोटल 10 राउंड में जो भी आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है, तो हर चरण में, हर राउंड में आपका एक निर्धारित तिथि है कि रिजल्ट आने की, काउंसलिंग की रिजल्ट। ठीक है, तो अभ्यर्थी का आवंटन जो है वो मेरिट और संस्था के जो भी हमारे पाठ्यक्रम हैं और उनके आरक्षित सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। जैसे कि जो भी EWS के कैंडिडेट हैं, तो EWS के कैंडिडेट ध्यान देंगे, अगर दोस्त आपने फॉर्म में फिल करते समय EWS का उपयोग किया है यानी आरक्षण का उपयोग किया है और आप वहां पे अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके जो एडमिशन है वो निरस्त हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट राउंड के हैं फिर भी आपका निरस्त हो जाएगा। अगर आपको वहां पे मांगा गया कि सर्टिफिकेट दीजिए, आप नहीं दे पाए तो आपका क्या है, एडमिशन निरस्त हो जाएगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी, नेक्स्ट राउंड में आप काउंसलिंग करा सकेंगे। यानी अगर आपका फर्स्ट राउंड में कैंसिल होता है तो आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। या जो भी स्टूडेंट का, जैसे बाय मिस्टेक आपका SC हो गया और आप SC का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, आप जनरल हैं, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट राउंड आपका कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड राउंड आपका वहां पे चेंज कर दिया जाएगा। SC से आपका, जैसे ओ जनरल है तो आपका जनरल से ही आपका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, फिर से आप वहां पे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा जो मैं आप आज के इस पॉइंट पे जो आपको बताने वाला हूं। जैसा कि सीट जब भी आपका आवंटन होगा उसके पश्चात किस पे ओपी आपका लॉगिन आईडी जो भी आपका है
आईडी पासवर्ड उस पे आपका आ जाएगा। प्रथम और द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन से फ्रीज अथवा फ्लोट का विकल्प को चुनना होगा। जैसे ही दोस्त आपने रिजल्ट देख लिया काउंसलिंग के, वहां पे दो ऑप्शन दिखेंगे, फ्रीज और फ्लोट। एक चीज समझ लीजिएगा, फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। फ्रीज का मतलब यह हुआ कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है। फ्लोट का मतलब क्या हुआ कि हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, हमें आगे भी कॉलेजों को देखना है। ठीक है, यानी हमें आगे दूसरे राउंड में हम जाना चाहते हैं और भी कॉलेजों को देखना चाहते हैं। प्लस साथ में फ्लोट के ऑप्शन के चुनने का दोस्त एक फायदा यह भी है कि जो आपने जो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड जिसमें आप फ्लोट कराना चाहते हैं वो आपका बिल्कुल और बिल्कुल सिक्योर रहेगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर से आपका वही कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है तो आपको सेकंड में भी मिलेगा, थर्ड में भी मिलेगा, जितनी काउंसलिंग होगी सब में मिलेगा। अगर लेकिन दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फ्रीज कर लिया तो फ्रीज करने के बाद जो भी आपका तिथि है यानी कि दो दिन के अंदर जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, फीस पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड पे, जो भी कॉलेज का फीस है 11,000-12,000 जो भी फीसेज हैं उसको आपको पे करना है और जाके संस्था में एडमिशन लेना है। एडमिशन के लिए दोस्त डॉक्यूमेंट मैंने अभी नहीं बताए हैं, वो केवल और केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। यानी कल से आपका जो है फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आ जाएगी और परसों से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिएगा, वही बिल्कुल आप लोग रख लीजिएगा। जो स्टूडेंट मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट या टीसी के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो उनको दोस्त बताना चाहेंगे वो चीज़ें केवल और केवल एडमिशन में लगती है। ठीक है, वो केवल एडमिशन में लगती है। वो एडमिशन के लिए मैं आपको लिस्ट अभी जारी कर दूंगा, बता दूंगा दोस्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। अपने पास दोस्त अभी से उन डॉक्यूमेंट को जरूर रख लीजिएगा। तो फ्रीज में हम दोस्त यहाँ पे फ्रीज के अगर आप विकल्प चुनते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दो विकल्प चुनना है। प्रथम अगर आप यहाँ पे फ्लोट के विकल्प को चुनते हैं, फ्रीज के विकल्प को चुनने के बाद आपको कुछ नहीं होगा। सीट लॉक के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अगर फ्लोट का विकल्प चुनकर निर्धारित सिक्योरिटी धनराशि जो आपका 3,000 रुपए है ये आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे जमा करने होंगे, तथा विकल्प चयन के पश्चात सिक्योरिटी धनराशि न जमा करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चरण तक किसी भी प्रक्रिया यानी संपूर्ण प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे तीसरे चरण तक। ठीक है, और तीसरे चरण में जो भी स्टूडेंट कॉलेज पाएंगे यहाँ पे, जिनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, वे सभी फ्रीज माने जाएंगे, अन्यथा उनको एडमिशन लेना ही होगा। अगर ये दो दिन में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी जो प्रक्रिया है काउंसलिंग यानी एडमिशन की प्रक्रिया वो निरस्त हो जाएगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि अभ्यर्थी फ्रीज का विकल्प चुनता है तो उसको चयनित सहायता केंद्र पर, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए तो आपको एक चयनित सहायता केंद्र मांगा होगा, वहां पे अपना डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वहीं पे जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाकर अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद अभ्यर्थी लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित संपूर्ण शुल्क ऑनलाइन ही जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले प्रवेश शुल्क की धनराशि लिंक पर प्रदर्शित होगी। प्रवेश शुल्क दिए गए विकल्पों यथा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इसके माध्यम से आप अपना फीस को पे कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में उसकी जो आवंटित सीट है वो क्या होगा, निरस्त हो जाएगा और तृतीय चरण तक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपने फ्रीज के विकल्प को चुना है तो आपको निर्धारित समय में ही जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और कॉलेज की फीस को सबमिट करना है। नहीं तो आपकी जो प्रक्रिया है एडमिशन का प्रोसेस है वो वहाँ पे थर्ड राउंड के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, फोर्थ राउंड में फिर से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्त जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताएं आपको समझ में आ गया इन्फॉर्मेशन। दोस्त वीडियो अच्छी लगी दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट को इसका पता चल सके। थैंक यू।